बड़ी दरार यह सबूत है कि पूर्व अफ्रीका दो में विभाजित हो सकता है। एक बड़ी दरार कई किलोमीटर तक फैला ने हाल ही में दक्षिण पश्चिमी केन्या में अचानक उपस्थिति बनाई। इस आंसू जो बढ़ने के लिए जारी है। नैरोबी नारोक राजमार्ग का एक हिस्सा गिर गया और उस क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधि के साथ पृथ्वी एक कभी बदलते ग्रह है, भले ही कुछ मामलों में परिवर्तन हमारे लिए लगभग अनजान हो सकता है। प्लेट टेक्टोनिक्स इसका एक अच्छा उदाहरण है, लेकिन हर बार कुछ और नाटकीय रूप से होता है और अफ्रीकी महाद्वीप की दो भागों में विभाजित होने के बारे में नए प्रश्नों की ओर जाता है। धरती के लिथोस्फेयर परत और गहराई के ऊपरी हिस्से द्वारा गठित कई टेक्टोनिक प्लेटों में टूट गया है। ये प्लेटें स्थैतिक नहीं है, लेकिन एक अलग अलग गति पर एक दूसरे के सापेक्ष चलती हैं। एक चिपचिपा खगोल क्षेत्र पर ग्लाइडिंग, उनके आंदोलन के पीछे क्या तंत्र या तंत्र अभी भी बहस हो रहा है। लेकिन प्लेटों के बीच सीमाओं पर उत्पन्न बलों में एथिन्सोफेयर के भीतर संवहन धाराएं शामिल हैं। इन बलों को प्लेट्स को केवल चारों ओर नहीं ले जाया जाता है, वे प्लेटों को टूटना भी पैदा कर सकते हैं। एक दरार बनाने और संभावित रूप से नई प्लेट सीमाओं के निर्माण के लिए अग्रणी हो सकते हैं। पूर्वी अफ्रीकी दरार प्रणाली यह उदाहरण है जहां यह वर्तमान में हो रहा है। पूर्वी अफ्रीकी दरार घाटी दक्षिण में जिम्बाब्वे की तरफ उत्तर में एडेन की खाड़ी से 3000 किलोमीटर की दूरी पर फैली हुई है। अफ्रीकी प्लेट को दो असमान भागों में विभाजित करना, सोमाली और न्यूबियन प्लेटें, दरार घाटी की पूर्वी शाखा पर गतिविधि इथियोपिया, केन्या और तंजानिया के साथ चल रही है, स्पष्ट हो गई जब बड़ी दरार दक्षिण पश्चिमी केन्या में अचानक दिखाई दिया। जब लिथोस्फीयर क्षैतिज विस्तार बल के अधीन होता है तो यह फैल जाएगा, पतली हो जाएगा, आखिरकार यह टूटना होगा, जिससे एक दरार घाटी का निर्माण होगा। यह प्रक्रिया ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि के रूप में दरार घाटी के साथ सतह अभिव्यक्तियों के साथ है। रिफ्ट्स एक महाद्वीपीय ब्रेकअप का प्रारंभिक चरण है और यदि सफल हो तो एक नया महासागर बेसिन के गठन का कारण बन सकता है। पृथ्वी पर एक ऐसी जगह का उदाहरण जहां दक्षिण एशिया और अफ्रीका का लगभग 138 मीटर साल पहले टूट गया है, यह दक्षिण अटलांटिक महासागर है। कभी भी देखा कि उनके तटरेखाएं एक ही पहेली के टुकड़ों की तरह मेल खाती हैं। कॉन्टिनेंटल रिप्टिंग को लिथोस्फीयर को तोड़ने के लिए काफी विस्तारित बलों के अस्तित्व की आवश्यकता होती है। पूर्वी अफ्रीकी दरार एक सक्रिय प्रकार के दरार के रूप में वर्णित है, जिसमें इन तनावों का स्रोत अंतर्निहित आवरण के संचलन में है। इस दरार के नीचे एक बड़े भैंस के पंख का उतार चढ़ाव लिथोस्फीयर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जिससे यह तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कमजोर हो जाता है, दोष से टूटने और टूटने से गुजरता है। इस हौत से सामान्य प्रावर के पंजे के अस्तित्व के लिए सबूत भूभौतिकीय आंकड़ों में पाए गए हैं और इसे अक्सर अफ्रीकी सुपरस्वेल कहा जाता है। यह सुपरप्लूम केवल पूर्व पृथक बलों का व्यापक रूप से स्वीकार्य स्रोत नहीं है, जो कि रिफ्ट घाटी के निर्माण के परिणाम स्वरूप है, लेकिन दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीकी पठारों के अनोखे उच्च स्थलाकृति की व्याख्या करने के लिए इसका इस्तेमाल भी किया गया है। नदी के किनारों पर एक बहुत ही विशिष्ट स्थलाकृति प्रदर्शित होती है, जो उच्च भूभाग से घिरे गलती घिरे अवसादों की एक श्रृंखला के कारण होती है। पूर्व अफ्रीकी प्रणाली में एक बड़े बाउंडिंग गलतियों द्वारा एक दूसरे से अलग गठित दरार घाटियों की एक श्रृंखला को अंतरिक्ष से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन सभी फ्रैक्चरों का एक ही समय में गठन नहीं हुआ, लेकिन लगभग 30 मीटर साल पहले उत्तरी इथियोपिया के एफोर क्षेत्र में शुरू होने वाली एक अनुक्रम का पालन किया गया था और एक साल में 2.5x5 सेमी की औसत दर से जिम्बाब्वे की ओर दक्षिण की ओर फैल रहा था।
यद्यपि अधिकतर समय के लिए हमारे पास अपर्याप्त नहीं है नए दोषों का गठन, विखंडन और दरारें या पुरानी गलतियों के साथ नए सिरे से आंदोलन जैसे न्यूबियन और सोमाली प्लेटें अलग अलग चलती रहती हैं, भूकंप का परिणाम हो सकता है। हालांकि पूर्वी अफ्रीका में अधिकांश भूकंप तादरार घाटी में एक व्यापक क्षेत्र में फैली हुई है और यह अपेक्षाकृत छोटा परिमाण का है, ज्वालामुखी के साथ चल रहे महाद्वीपीय टूटने की लगातार प्रक्रिया का एक और सतह का प्रकटन और सतह पर गर्म पिघला हुआ एथिस्फोफेयर की निकटता है। पूर्वी अफ्रीकी दरार अद्वितीय है। इसमें हमें इसकी लंबाई के साथ अलग अलग चरणों का पालन करने की अनुमति मिलती है। दक्षिण में जहां दरार युवा है, विस्तार दरें कम हैं और एक विस्तृत क्षेत्र में दोष लगने की संभावना है। ज्वालामुखीवाद और भूकंपता सीमित हैं। उफॉक क्षेत्र की तरफ, हालांकि पूरे रिफ्ट वैली फ्लो ज्वालामुखीय चट्टानों से ढके हुए हैं, इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में लिथोस्फीयर ने लगभग पूरी तरह से ब्रेकअप के बिंदु तक पतला हो गया है। जब ऐसा होता है, ऊंची अप प्लेट्स द्वारा बनाई गई अंतरिक्ष में मैग्मा की मजबूती से एक नया महासागर शुरू हो जाएगा। आखिरकार लाखों साल की अवधि में समुद्र के फफूंद फैलाने की पूरी लंबाई के साथ प्रगति होगी।